प्रोसेस मन और विश्लेषण जिसके बारे में हमने बात की थी, चर्चा की थी लास्ट थ्योरी में, मेरी लास्ट वीडियो में, जिन्हें सिगमंड फ्राइड ने दिया है। अब इसमें हमने बात की थी कि साइको एनालिसिस क्या है, कि थ्योरी है, अप्रोच है या क्या है। तो उसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। और एक और चीज है साइको डायनेमिक यानी कि मनोगतिक, इसके साथ में साइको एनालिसिस यानी कि मनो विश्लेषण। इन दोनों वर्ड्स में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। अब ये है क्या, जो साइकोडायनेमिक यानी कि मनोगतिक है, ये एक अप्रोच है यानी कि उपागम है। इसके साथ के साथ इसमें जितने भी फॉलोअर्स हैं, यानी कि जो भी इसे फॉलो कर रहे हैं लोग, जितने भी लोग मनोगतिक उपागम को मानते हैं, और ये जो उपागम है इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो हम उसे बोलते हैं साइकोडायनेमिक यानी कि मनोगतिक। तो ये एक अप्रोच है, मनोगतिक एक उपागम है। इसी के साथ साइको एनालिसिस की हम बात करते हैं, जिसे सिगमंड फ्राइड ने दिया था और जिसे फॉलो भी किया था। साइको एनालिसिस यानी कि मनोविश्लेषण एक थियरी है यानी कि सिद्धांत है, और इसके साथ में एक थेरेपी है। थेरेपी कैसे है, यानी कि साइको एनालिसिस का यूज, मनोविश्लेषण का यूज जो सिगमंड फ्राइड है, उन्होंने क्या किया, जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए, उनके उपचार के लिए इस थेरेपी को यूज किया। अब इसमें हुआ क्या था कि फ्राइड ने ऑब्जर्व किया, एक फिजियोथेरेपिस्ट है, यानी कि उनके कुछ फिजियोथेरेपिस्ट फ्रेंड्स थे। हमें पता है फ्राइड ने MD किया हुआ था और वो प्रैक्टिस कर रहे थे, प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की थी। तो उसमें क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की कि एक फिजियोथेरेपिस्ट है, उसके सामने पेशेंट्स आते हैं। अब पेशेंट्स ठीक कैसे हो रहे थे कि जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो अपने जो पेशेंट्स हैं उनसे कम्युनिकेट करता था, सिर्फ वार्तालाप, बातें करता था, और बातें करने से ही पेशेंट्स के अंदर इम्प्रूवमेंट दिखने लगती थी। तो ये इम्प्रूवमेंट सिर्फ बातें करने से आई, यानी कि कम्युनिकेशन इज वेरी इफेक्टिव एलिमेंट इन इम्प्रूवमेंट, यानी कि किसी भी तरह के ट्रीटमेंट में, यानी कि अगर हम कम्युनिकेशन, बातचीत को यूज करें और उससे किसी भी चीज को क्योर करें। तो यही एक टेक्निक थी जिसको सिगमंड फ्राइड यूज कर रहे थे एज अ थेरेपी, इसीलिए इसको थेरेपी का नाम दिया गया। जो सिगमंड फ्राइड है उन्होंने बहुत सारे अलग अलग चीजें यूज की थी, अलग अलग टेक्निक्स यूज की थी, जैसे कि नई नई जो थी ड्रीम एनालिसिस, जिसे आप स्वप्न विश्लेषण कहते हैं, इसके अलावा हिस्टीरिया, जिसकी मेरी लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी। अब देखिए साइको एनालिसिस को हम जान लेते हैं, आखिर साइको एनालिसिस या मनोविश्लेषण हम किसे कह रहे हैं, यानी कि जो भी थ्योरी, साइकोएनालिटिकल थ्योरी दी है फ्राइड ने, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है, उसके अंदर आठ क्या क्या चीजें रही हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। बिहेवियर्स एंड फीलिंग्स, जो भी हमारे बिहेवियर्स होते हैं और हमारी भावनाएं यानी कि फीलिंग्स होती हैं, वो किसकी वजह से होती है, अनकॉन्शियस मोटिव्स की वजह से होती है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस हैं, चेतना के तीन स्तर हैं, जिनमें से अचेतन कुछ हमारी अचेतन लेवल होता है हमारा, यानी कि अनकॉन्शियस लेवल होता है हमारे माइंड का, और वहीं पे सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं और वहां से एकदम से बाहर आने लगती हैं। किन चीजों की मैं बात कर रही हूँ, बिहेवियर की मैं बात कर रही हूँ। बिहेवियर किसकी वजह से शो हो रहा है, अनकॉन्शियस माइंड की वजह से शो हो रहा है। फीलिंग्स जो भी मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ वो अनकॉन्शियस माइंड की वजह से एक्सप्रेस कर रही हूँ। Behaviors and feelings as adults are rooted in our childhood experiences. जो भी आप वयस्क होके यानी कि एडल्ट होके जिस भी तरह का बर्ताव किसी के भी साथ करते हो, या फिर फीलिंग्स जो भी आप एक्सप्रेस कर रहे हो किसी के भी साथ कर रहे हो, वो किसकी वजह से हुए हैं, जिस तरह से आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, यानी कि जिस भी तरह से आपका पालन पोषण हुआ है, 5 years तक की एज तब जिस भी तरह का आपका नर्चर हुआ है यानी कि पालन पोषण हुआ है, वो अफेक्ट करता है एज एडल्ट आप किस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं।
इसके साथ ही साथ पर्सनैलिटी इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स। पर्सनैलिटी की हम बात करते हैं यानी कि व्यक्तित्व तीन भागों से, तीन पार्ट से बना है। वो क्या क्या है? इट, जिसे हिंदी में इदम बोला जाता है, ईगो, जिसे हिंदी में अहम बोलते हैं, सुपर ईगो, ये है परम अहम। अभी हम इन्हीं तीनों को डिस्कस करेंगे अपनी इस थ्योरी में। टू इंस्टिंक्ट्स आर ड्रिवन फ्रॉम इट। अब ये जो इट है यानी कि इदम है, इसके अंदर दो तरह की प्रवृत्तियां होती हैं, यानी कि दो तरह के इंस्टिंक्ट्स होते हैं। किस तरह के इंस्टिंक्ट्स होते हैं? एक को बोला गया है ईरोस। ईरोस इज लाइफ इंस्टिंक्ट, यानी कि जीवन प्रवृत्ति। थैनेटोस इज डेथ इंस्टिंक्ट, यानी कि मृत्यु प्रवृत्ति। जो भी हमारे लाइफ इंस्टिंक्ट है, जीवन के प्रति प्रवृत्तियां हैं, वो सब ईरोस में आएंगे। उसके लिए हम दूसरा वर्ड ईरोस भी यूज कर लेते हैं, जो फ्राइड ने यूज किया था, इसकी जगह थैनेटोस। थैनेटोस हम बोल रहे डेथ इंस्टिंक्ट को, यानी कि मृत्यु की तरफ जो हमारी प्रवृत्ति होती है वो इसके अंदर आती है। साइको एनालिसिस में हम स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी देखते हैं। व्यक्तित्व के व्यक्तित्व की संरचना थ्री एलिमेंट से हुई है। तीन तत्व हैं। फर्स्ट, जैसे कि हमने बात की, इट, इदम, इसके बाद ईगो, जिसे अहम कहा जा रहा है, थर्ड सुपर ईगो यानी कि परम अहम। अब देखिए, इट की हम बात कर रहे थे, इदम, ये प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। प्लेजर प्रिंसिपल यानी कि देखिए, ह्यूमन नेचर होता है कि वो हमेशा क्या करना चाहते हैं, पेन को कम करना चाहते हैं। हम भी हमेशा अपनी स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं और प्लेजर पाना चाहते हैं। अब वो प्लेजर किसी भी तरह से पा सकता है इड के अंतर्गत, यानी कि इदम के अंतर्गत। अगर हमें प्लेजर पाना है तो हम कोई एविल का, बुराई का सहारा भी ले सकते हैं और कोई काम अच्छी तरह से भी कर सकते हैं, अच्छाई के साथ भी कर सकते हैं। ये हमारे पर डिपेंड करता है। इसके लिए हम लोग अवेयर नहीं होते, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है इसके लिए जागरूक नहीं होते। इसके अंदर जैसे कि हमने पढ़ा, दो प्रवृत्तियां आती हैं, एक ईरोस और दूसरा थैनेटोस, जो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी के बाद में आपको और अच्छे से बताऊंगी। इड के अंतर्गत हमारी जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जो हमारी फिजिकल नीड्स हैं, कौन कौन से फिजिकल नीड्स होती हैं, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, सेक्सुअल प्लेजर, ये सारी की सारी चीजें इड के अंतर्गत आ जाती हैं। जबकि जो सुपर ईगो है, ये हमेशा हमें रोकने का काम करता है। एक तरह से इट इज द वॉइस ऑफ आवर कॉन्साइंस, यानी कि ये हमारी अंतरात्मा की पुकार है। ये हमारी एक तरह से अंतरात्मा की पुकार होती है, जो हमेशा जब भी हम कोई गलत काम करने वाले होते हैं हमें रोकती है। जैसे कोई चोर चोरी कर रहा है, चोरी करते वक्त भी उसे पता होता है कि वो कुछ ना कुछ गलत कर रहा है, चाहे वो चोरी कर ले, लेकिन उसे पता होता है, अंदर से फीलिंग होती है एक कि गिल्ट की फीलिंग कराने का। जो सुपर ईगो है, ये हमें गिल्ट की फीलिंग कराना इसका काम करता है। या फिर जब हमें किसी भी काम को करके बुरा लगता है, हम कुछ गलत काम करते हैं और हमें बुरा लगे, तो ये सारी फीलिंग्स का आभास कराने का काम सुपर ईगो को होता है। यानी कि एक तरह से ये मोरालिटी प्रिंसिपल पर काम करता है, मोरल प्रिंसिपल पर, मोरल वैल्यूज पर काम करता है। इसके अंतर्गत ये सोसाइटी के नॉर्म्स और जो भी सोसाइटी ने रूल्स बना दिए हैं सबके बेनिफिट के लिए, उसको सोचकर चलता है। यानी कि जो भी काम होगा वो सबके वेलफेयर के लिए होना चाहिए, इसके अंतर्गत वो आता है।
इसके बाद थर्ड जो स्ट्रक्चर है ईगो, ये रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। रियलिटी प्रिंसिपल यानी कि जो वास्तव में होना चाहिए। देखिए हम बिल्कुल मोरल वैल्यूज को भी नहीं अप्लाई कर सकते, हमें ये भी देखना है कि प्रैक्टिकली हमारे लिए फीजिबल है कोई भी चीज या नहीं है, या फिर हम किसी भी बुराई को या फिर किसी बुरे काम का सहारा भी नहीं ले सकते अपने प्लेजर को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें भूख लगी है तो हम चोरी नहीं करेंगे, हम उसके लिए अर्न करेंगे। बस हमें इतना ध्यान रखना है जो इड है वो प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी कि किसी भी तरह से हमें भौतिक सुख पहुंचाने पर काम करता है, चाहे वो किसी बुराई को लेकर ही क्यों ना हो रहा हो। इसके अलावा जो सुपर ईगो है वो क्या काम करेगा, जो भी समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, सबके वेलफेयर के लिए जो भी सही है और जो वैल्यूज और जितनी भी हमारी मूल्य है उनको मानते हुए जो भी हमें काम करना चाहिए उसके लिए हमें प्रेरित करता है। ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। रियलिटी प्रिंसिपल का मतलब है ये जो आपका इड है यानी कि इदम है और सुपर ईगो परम अहम है, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का काम ईगो करता है, यानी कि वो रियलिटी को ध्यान में रखते हुए काम करने के लिए हमें प्रेरित करता है कि देखता है प्रैक्टिकली वो काम हो भी सकता है या नहीं हो सकता। यानी कि बस आपको चीजें क्या ध्यान में रखनी है, इड है तो प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करेगा, भौतिक सुख सुविधाओं को हमें अचीव कैसे करना है चाहे किसी भी तरह से हो वो, उसके लिए हमें प्रेरित करने के लिए इड है, इदम है। सुपर ईगो हमारे लिए मोरालिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। ईगो, इड और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस बनाने का काम करता है, यानी कि वो रियलिटी पर काम करता है।